ये शक्ति उपासना का पर्व है, यह ऊर्जा का पर्व है, यह अपने अंदर चिंतन का पर्व है, यह अपने अंदर से बुराइयों के निष्कर्षण का पर्व है। इस पर्व पे चूंकि शक्ति का, भगवती का, जगदम्बिका का, त्रिगुणात्मिकाई भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती रूप में जो पूज्य है, इस प्रकृति का पूजा है। इस प्रकृति के पूजन में हमको विशेष करके शक्ति जैसी किसी भी चीज का अपमान नहीं करना चाहिए, मातृशक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, माँ का, बहन का या कोई भी स्त्री जाति का हो, इस 9 दिन में हमको बचना चाहिए उनकी आलोचना करने से या उनके ऊपर किसी भी प्रकार की भद्री टिप्पणी या बात करने से हमको बचना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा पाप लगता है। कहा भी गया है शास्त्रों में, यत्र नारस्ते पूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है, और स्वयं भगवान भी नारियों के सामने नतमस्तक हुए, और इसका एक प्रमाण है हमारे सामने वृंदा का। वृंदा इतनी पतिव्रता स्त्री थी कि उसके पतिव्रत प्रभाव से जालंधर का वध नहीं हो पा रहा था, आखिरकार भगवान को झुकना पड़ा और वृंदा का केवल हाथ पकड़े और ठाकुर जी पत्थर के हो। इसलिए मैं नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति कोई भी अशोभनीय टिप्पणी से बचना चाहिए। विशेष करके 1 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो कन्याएं हैं उनका पूजन करना चाहिए, उनको प्रत्येक दिन एक कन्या को हाथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि वह लक्ष्मी रूप में हैं, सरस्वती रूप में हैं, वह सौभाग्य के रूप में हमारे पास वास करें। हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए इस 9 दिन में, हमको मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, हमको अभक्ष्य भोजन नहीं करना चाहिए, हमको जो है बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, जमीन में सोना चाहिए, कुशासन पर सोना चाहिए, क्योंकि ये शक्ति का पर्व है। नित्य जो है नियमित स्नान करना चाहिए और देवी की आराधना में ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय व्यतीत करना चाहिए। जय विष्णु।